अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद सैदा में आपका स्वागत है। तो आज मैंने मेरे किचन में बनाया है रमज़ान स्पेशल ब्रेड चिकन रोल। मैंने बहुत ही अलग तरीके से ये ब्रेड चिकन रोल बनाकर तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं मैंने किस तरीके से ये ब्रेड चिकन रोल बनाकर तैयार किया है। तो चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद मैं इस पैन में एक चम्मच भरकर तेल ऐड कर दूंगी। मैंने इस पैन में एक चम्मच तेल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज का प्याज, बारीक बारीक का चॉप कर लिया है मैंने उसे। प्याज को हमें एक मिनट तक का हल्का सा भून कर चॉप कर लेना है। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। मैंने इसमें पेस्ट का इस्तेमाल किया है अदरक लहसुन के। आपको चाहिए तो आप इसे बारीक बारीक सा इसमें चॉप कर ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इन्हें भी मैं एक मिनट तक का भूनूंगी। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इन्हें मैंने करीबन एक मिनट तक का अच्छे से भून लिया है। अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है वो इजीली खत्म हो जाएगी, इसलिए हम इसे एक मिनट तक का इस तेल में अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च को भी मैं सेम प्रोसेस एक मिनट तक का भून लूंगी। मैंने शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इन्हें मैंने अच्छे से एक मिनट तक का इन्हें भी भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज डालिएगा कि आपको कितना फीका चाहिए। लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी सेम आधा चम्मच भरकर जीरा पाउडर। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइज नमक ऐड कर दूंगी। मेरे टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी इस ब्रेड चिकन रोल को और भी टेस्टी करने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच भरकर जो है शेजवान चटनी। भरकर शेजवान चटनी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी दो चम्मच भरकर जो है टमाटो सॉस। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा चम्मच, मैंने इसमें मेयोनीज ऐड कर दिया है। अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से भून लूंगी मिक्स करके। तो चलिए, मैंने इन्हें अच्छी तरीके से भून लिया है दो से तीन मिनट तक का।
जो मैंने मसाले इसमें डाले हैं, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, उन्हें मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है करीबन 2 से 3 मिनट तक का। अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था, अदरक लहसुन और नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर फिर उसके बाद बॉईल चिकन को एक मिक्सी की जार में डालकर उसमें लाल सूखी मिर्ची को डालकर मैंने अच्छा सा बस दरदरा सा इसे पीस लिया है चिकन को। तो इन्हें भी मैं इस मसालों में डालकर, तो बॉईल पिसा हुआ चिकन को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज के आलू। आलू ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास चिल्ली फ्लेक्स है तो आप चिल्ली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने एक मिक्सी की जार में चिकन को, बॉयल चिकन को ऐड कर उसमें 2 लाल सूखी मिर्ची को डालकर साथ ही साथ मैंने दरदरा सा पीस कर निकाल लिया है। चिकन को ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 मीडियम साइज के आलू को मैंने बॉयल कर लिया था, उसे मैंने मैश कर लिया है। अब मैं चिकन और आलू उसमें ऐड किया है, अब इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी मसालों में। तो ये देखिए, मैंने चिकन और आलू और सारे मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया है करीबन 3 से 4 मिनट तक का। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड रख दूंगी। तो ये देखिए, मैंने चिकन आलू और सारे मसालों को भूनकर निकाल लिया था, ये ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिए है मीडियम साइज के। अब मैं जो ये ब्रेड का जो कॉर्नर वाला हिस्सा है उसे मैं कट कर निकाल लूंगी, और सारे कॉर्नर के हिस्से को निकाल कर ये कॉर्नर वाले जो पीसेस है इसको एक मिक्सी के जार में डालकर ब्रेड क्रम्स बना लूंगी। अब मैं इस सारे ब्रेड को इसी तरीके से कट कर लूंगी। तो ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड के कॉर्नर के हिस्से निकाल लिए हैं और उस हिस्से को एक मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस कर जो है ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लूंगी। चलिए, अब मैं इसे पीस कर निकाल लूंगी, ब्रेड क्रम बनाकर तैयार कर लूंगी, उसके बाद हम ब्रेड चिकन रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, जो मैं ब्रेड के अंदर फिल करने वाली हूँ चिकन, सारे मसालों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, ब्रेड क्रम्स भी बनाकर तैयार कर लिए है। मैंने 2 चम्मच मैदा लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी स्लरी बनाकर तैयार कर ली है, और यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी। तो चलिए, हम इस ब्रेड को सबसे पहले इस पानी में डीप कर लेंगे। डीप करने के बाद इसे इस तरीके से निचोड़ देंगे, इसके अंदर का जो भी पानी है उसे हाथों की हथेलियों की मदद से हम दबाकर जो है इसको निचोड़ लेंगे। पानी के अंदर ब्रेड को डिप करने के बाद इसे मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। अब मैं इसमें जो चिकन के जो मैंने मसाले तैयार कर लिए थे चिकन, से मैं अच्छा सा इसके अंदर फिल कर इस ब्रेड को मैं इस तरीके से हम रोल बनाकर तैयार करेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसे गोल कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं इसी तरीके से सारे ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। अब मैं इसे जो मैंने मैदे का जो स्लरी बनाया था उसे मैं उसमें डालकर फिर इस ब्रेड क्रम्स में के अंदर डालकर इसे ऊपर से जो है कोट कर लूँगी। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे कोट करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना इसके अंदर के जो मसाले हैं फ्राई करते वक्त जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड चिकन रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आइए, अब इसे हम तेल में फ्राई कर निकाल लेंगे। तो वही पैन ले लिया है जिसमें मैंने चिकन को और मसालों को बनाकर तैयार किया था। गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी। बिस्मिल्लाह।
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तेल। मैंने इस पैन में तेल ऐड कर दिया है। तेल को अच्छा सा गर्म होने के बाद इस चिकन ब्रेड रोल को मैं फ्राई कर निकालूंगी। तो चलिए, तेल जो है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये जो मैंने तैयार किए हैं ब्रेड चिकन रोल बनाकर इस तेल में मैं हल्का हल्का फ्राई करके निकालूंगी। बिस्मिल्लाह। देखिए, मैंने तेल में जो है ब्रेड चिकन रोल को डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर निकालूंगी। करीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, जब तक ये हल्के से क्रिस्पी ब्राउनिश नहीं हो जाते। अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, ये बहुत ही क्रिस्पी और ब्राउनिश हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल कर बाकी के जो ब्रेड चिकन रोल है उसे फ्राई कर निकाल लूंगी। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।